Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी एजुकेशन विद अमित सर के साथ। आज के इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए लाए हैं मैथ क्लास 10th के लिए एक्सरसाइज 8.4 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। माँ बाप लोग बताए थे कि ये जितने भी क्वेश्चन हैं ऑल टू ऑल बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट है, इसमें से एक क्वेश्चन जरूर बोर्ड में आता है। ये क्वेश्चन कैसे भी करके आप लोग रट लीजिएगा, रटना जानते हैं ना, रट लीजिएगा या तो समझ लीजिए या तो कैसे भी करके आप लोग इसको एकदम नॉलेज में या दिमाग में बैठा लीजिएगा कि इसमें से एक क्वेश्चन 4 नंबर का बोर्ड में आता है। जैसे कि इसके पिछले वाले वीडियो में हम आप लोगों को बताए थे एक्सरसाइज 8.4 का ही तीन क्वेश्चन बता दिए थे। तीसरा क्वेश्चन था जो बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था, बहुत ही महत्वपूर्ण था, आप लोगों को ये बताए थे और ये आप लोग अभी रट लीजिएगा। अभी भी फिर से एक बार और बता दे रहे हैं कि ये एक्सरसाइज बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, इससे आप लोगों को 4 नंबर में बोर्ड में मिल जाएगा आसानी से। अगर हमारे चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब रेड बटन को दबाकर सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखें क्योंकि ये आप लोगों के लिए बोर्ड के लिए और अदर कंपटीशन लेवल के लिए भी बहुत ही हेल्पफुल होगा। ये क्वेश्चन कंपटीशन लेवल में भी पूछा जाता है, जैसे पॉलिटेक्निक हुआ या अदर कोई कंपटीशन लेवल हुआ, इसमें बहुत ही ज़्यादा ये पूछा जाता है। चलिए हम लोग ज़्यादा वक्त नहीं गंवाएंगे, इसलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, ध्यान दीजिएगा, चौथा क्वेश्चन पर क्या दिया है, 1 + sec a / sec a इसका डू sec स्क्वायर ए अपॉन 1 - sec a सो ये कॉस है, यही प्रूफ करना था, प्रूफ करना है ना, हम लोग साइन कॉस प्रूफ करना, तो इसको साइन और कॉस में लेकर आएंगे। तो देखिए इसको सॉल्व हम लोग कैसे करते हैं, तो हो जाएगा 1 + sec a / sec a क्या लिए हम लोग, LHS लेने पे, मतलब लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको 1 + इसको sec को 1 / cos लिख देंगे, cos a अपॉन 1 / cos a, कोई दिक्कत नहीं, इस cos का इधर गुणा करेंगे तो क्या होगा, cos a + 1 / cos a अपॉन, ये देखिए cos a रहेगा ना, मतलब इसका इसमें गुणा करेंगे तो cos a, जैसे इसका इसमें गुणा करेंगे तो cos a प्लस है, प्लस 1 है तो 1 अपॉन, ये cos a तो cos a रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अभी 1 / cos है तो 1 / cos a, यहाँ तक तो आप लोगों को पूरा समझ में आया, ये मेन बटा है, ये कॉस से क्या कॉस कट जाएगा तो क्या बचेगा, केवल कॉस ए प्लस 1, यही होगा कि नहीं, समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं, यही हम लोग को होगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं इसका क्या करना पड़ेगा, ये ध्यान दीजिएगा। अब इसके आगे हम लोग करेंगे कि इसमें बटाई कर लेंगे, इस मतलब कॉस ए माइनस 1 अपॉन कॉस ए माइनस 1, इसमें हम लोग एक चीज़ और कर सकते हैं, चाहे तो आप लोग इसको, हम लोग नहीं लिखना चाहें तो इसको, इसको देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसका cos a प्लस 1 / 1 ये होगा, तो इसको हम लोग चाहें तो आगे पीछे हम लोग कर सकते हैं, तो 1 + cos a / 1, तो इसमें परमेकरण कर दें, परमेकरण किसका करेंगे तो 1 - cos a का ऊपर गुणा कर देंगे अपॉन 1 - cos a का नीचे गुणा कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए इसका एक क्वेश्चन में a प्लस बी, एक क्वेश्चन में a माइनस बी, तो क्या होता है, वर्गांतर का रूल होता है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब एक का वर्ग एक, तो कॉस स्क्वायर ए माइनस बी स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं होगा। अपॉन इसका इसमें करेंगे तो 1 - क्या होगा, कॉस ए, ये हो जाएगा। अब चूंकि हम लोग फार्मूला पढ़े होंगे साइन स्क्वायर ए इजकल टू, साइन स्क्वायर ए इजकल टू क्या होता है, 1 - cos² a, ये फार्मूला होता है, हम लोग एक फार्मूला आप लोग लिखवाए थे, जैसे कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इजकल टू 1, उसी फार्मूले से हम लोग इसको निकाल दिए, तो इतना जब हम लोग क्या लिख देंगे, साइन स्क्वायर ए तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 - cos a, यही हम लोग क्या करना था, यही हम लोग का आंसर होगा, जैसे कि हम लोग क्या करना था, प्रूफ करना था, LHS पर अब क्या हो जाएगा, RHS प्रूफ हो गया ना, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पर आते हैं, अगला क्वेश्चन पांचवा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए, क्या दिया है, cos a माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इसका टू प्रूफ क्या करना था, कोसेक ए प्लस कॉट ए, यही प्रूफ करना था, कोसेक ए प्लस कॉट ए, तो इसको हम लोग देखिए कैसे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने का क्या हम लोग लेंगे, LHS लेंगे, LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड लेकर हम लोग राइट हैंड साइड लाएंगे, तो क्या हो जाएगा, देखिए कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा याद रखिएगा, कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1, यही ना, हम लोग क्या करेंगे, अंश और हर में साइन ए से भाग देंगे,
अंश और हर में लिख देंगे, अंश और हर में साइन ए से क्या करने पे, भाग देने पर, देने पर। अब साइन ए से ऊपर नीचे हम लोग भाग देंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, इसका इसमें साइन से भाग देंगे तो कॉस अपॉन साइन क्या होता है, क्या होता है, कॉट ए, मतलब कॉस अपॉन साइन कॉट ए हो जाएगा तो कॉट ए, माइनस साइन से भाग देंगे तो कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, चाहे तो आप लोग डीपली हम लोग और लिख के समझा दे रहे हैं। तो इसको हो जाएगा कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए प्लस वन अपॉन साइन ए। अब मेन बटा ये है, ध्यान दीजिएगा, मेन बटा ये है नीचे वाला, ये मेन बटा आ जाएगा। अब इसके नीचे लिख देंगे कॉस ए अपॉन साइन ए, इसमें भाग देंगे, प्लस क्या हो जाएगा साइन ए अपॉन साइन ए हो जाएगा माइनस वन अपॉन साइन ए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस बट्टा साइन को हम लोग जानते हैं फार्मूला कॉट ए होता है, फार्मूला आप लोग पीछे वीडियो में देख सकते हैं कैसे होगा, माइनस ए कट जाएगा तो एक प्लस ये हो जाएगा कोसेक ए, वन अपॉन साइन बराबर कोसेक होता है। अब इसको हम लिख देंगे कॉट ए, ये प्लस कट के वन हो जाएगा माइनस वन अपॉन तो कोसेक ए, कोई दिक्कत नहीं होगा, आई होप आप लोग समझ में आएगा। इसको हम लोग इधर कर देंगे, थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे तो कॉट ए इसको इधर ले आएंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कुछ करना नहीं है, इसको हम लोग इधर ले चलेंगे, इसको पहले कर लेंगे प्लस कोसेक ए माइनस वन अपॉन, ये वैसे लिख देंगे कॉट ए प्लस वन और माइनस कोसेक ए, कोई दिक्कत नहीं हुआ, समझ में आया ना आप लोगों को। अब देखिए वन वन ये क्या हो जाएगा, मतलब होता है ये फार्मूला हम लोग देखेंगे, यहीं पे लिख दे रहे हैं, मतलब कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू वन, इस वन के जब ये हम लोग फार्मूला रख देंगे, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कैसे हम लोग करेंगे। तो क्या करेंगे, इस वन के जगह पे हम लोग फार्मूला रख देंगे, तो रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, कॉट ए प्लस कोसेक ए माइनस, इसके आप ये रखेंगे ना तो इसको क्वेश्चन में रख देंगे, क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, कोई दिक्कत नहीं होगा। अपॉन अब ये नीचे क्या आ दिया है, कॉट ए प्लस वन माइनस कोसेक ए, समझ में आ गया ना कैसे होगा। अब यहाँ पर देखिए ये वर्गांतर का रूल फॉलो कर रहा है कि नहीं, एक क्वेश्चन में ए प्लस बी और एक क्वेश्चन में ए माइनस बी, जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का है, तो एक क्वेश्चन में ए प्लस बी और एक क्वेश्चन में ए माइनस बी, तो उसी पे हम लोग अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा कॉट ए प्लस कोसेक ए, एक क्वेश्चन कर देंगे माइनस, इसका वर्गांतर का रूल मतलब कोसेक ए प्लस कॉट ए, अब इसको एक बार माइनस रखें तो मतलब कोसेक ए माइनस कॉट ए, कोई दिक्कत नहीं, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि वर्गांतर का रूल थोड़ा सा लंबा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ जाएगा डीपली। इसको हम लिख देंगे कॉट ए प्लस वन माइनस कोसेक ए, यहाँ तक तो पूरा समझ में आ रहा है कैसे कैसे हम लोग किए होंगे। चलिए अब देखिए इसमें क्या करेंगे, इन दोनों में देखेंगे कॉमन क्या है, तो इसमें देखिए कॉट ए प्लस कोसेक है, कॉट ए प्लस कोसेक है, तो इसको निकाल देंगे तो कॉमन हो जाएगा कि नहीं, निकालने में देखिए क्या बच रहा है यहाँ पे, अब निकाल देंगे तो क्या निकालेंगे, कॉट ए प्लस कोसेक ए निकाल देंगे, मतलब कॉमन कर लेंगे यहाँ से। अब देखिए कॉमन करने पर इससे यहाँ पर कॉमन करें तो यहाँ पर एक बचेगा, मतलब कुछ नहीं होगा तो वन बचेगा, कोई दिक्कत नहीं, माइनस है तो माइनस, थोड़ा सा इसको बड़ा कोष्टक हम लोग बना देंगे, वन और माइनस, अब ये निकल गया तो यही बचेगा ना कोसेक ए माइनस कॉट ए, ध्यान दीजिएगा क्या होगा कोसेक ए माइनस कॉट ए, इसे हम लोग क्या करेंगे कोष्टक कर देंगे। अपॉन नीचे क्या है, कॉट ए प्लस वन, देखिए नीचे क्या है, कॉट ए प्लस वन माइनस कोसेक ए, ये बड़ा कोष्टक बंद कर देंगे। अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, कॉट ए प्लस कोसेक ए, इसको ऐसे छोड़ देंगे, अब इसी में हम लोग थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे, तो वन है तो वन प्लस माइनस क्या होगा, माइनस कोसेक ए, ये माइनस माइनस क्या होगा प्लस कॉट ए अपॉन, इसको भी हम लोग आगे पीछे करेंगे, एक को पहले कर लेंगे माइनस कोसेक ए प्लस कॉट को पीछे कर देंगे कॉट ए, ये पूरा पद पूरे पद से कट जाएगा कि नहीं, देखिए कटने वाला है कि नहीं, कि फिर देख सकते हैं वन माइनस कोसेक ए प्लस कॉट ए अपन वन माइनस कोसेक ए प्लस कॉट ए, पूरा कट जाएगा कि नहीं, कटने के बाद क्या बचेगा
कॉट ए प्लस कोसेक ए, ये हम लोग क्या करना था, प्रूफ करना था। देख लीजिए कॉट ए, कॉट ए प्लस कोसेक ए, ये प्रूफ करना था, ये हम लोग प्रूफ हो गया। इसमें क्या हो जाएगा, एल एच एस बराबर आर एच एस, यही हम लोग को प्रूफ करना था, हो गया कि नहीं। आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत होगा, यहाँ पर नहीं समझ में आया होगा, फिर बता दे रहे हैं। इसमें कॉट ए प्लस कोसेक को बाहर है, तो कॉट ए प्लस कोसेक इसको बाहर हम लोग रखेंगे। अब आगे क्या दिया, वन है तो वन, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस कोसेक है तो कोसेक, माइनस माइनस क्या करेंगे, प्लस, कॉट है तो कॉट ए। अपन इसमें मॉडिफाई कुछ नहीं किया, हम लोग इसको पहले कर लिए, कॉट को बाद में कर दिए। तो वन है तो वन, माइनस कोसेक है तो माइनस कोसेक, कॉट को बाद किया तो प्लस कॉट है, ये पूरा पद कट जाएगा। तो जो यहाँ पे है कॉट ए प्लस कोसेक है, इट्स मीन ये कोष्टक में रहेगा, यही ना बचेगा कॉट ए प्लस कोसेक, यही क्या करना था हम लोग को, प्रूव करना था। आई होप आप लोग को पूरा ये समझ में आया होगा, कैसे हम लोग किए कैसे नहीं किए। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, छठवां। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा क्या दिया है, छठवां। छठवां क्वेश्चन कड़ी में वन प्लस साइन ए अपॉन वन माइनस साइन ए इसकल टू क्या दिया, सेक ए प्लस टेन ए। ये छठवां क्वेश्चन मतलब इतना बराबर इतना प्रूफ करना है। इसी टाइप का अगला आठवां, सॉरी छठवां क्वेश्चन है, सातवां क्वेश्चन देख लीजिए क्या है, साइन थीटा माइनस टू साइन क्यूब थीटा अपॉन टू कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इसकल टू टेन थीटा, ये इसका हम लोग को इधर प्रूफ करना है। दोनों क्वेश्चन बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही मजेदार होंगे, ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, छोटे में हम लोग इसको लगा देंगे। चलिए हम लोग छठा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, कैसे हम लोग करेंगे। तो इसको हम लोग क्वेश्चन को यहाँ पर लिख देंगे क्या है, वन प्लस साइन ए अपॉन वन माइनस साइन ए, इसमें परमेयकरण करेंगे, क्या करेंगे, परमेयकरण। परमेयकरण मतलब क्या होता है, जो नीचे का साइन होता है बीच वाले इसको उल्टा करते हैं, वन प्लस साइन ए से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, वन प्लस साइन ए से कर्णी में तो कर्णी में ही गुणा करेंगे हम इसको, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए इसको देखेंगे तो क्या होगा, इसका इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, यक्स इंटू यक्स, यक्स स्क्वायर होता है, तो उसी प्रकार वन प्लस साइन ए का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर अपन ये वर्ग, मतलब ये वर्गांतर को एक कोष्ठक में प्लस भी एक कोष्ठक में माइनस भी, तो होता है ए स्क्वायर, तो एक का स्क्वायर एक माइनस बी स्क्वायर, माइनस बी स्क्वायर मतलब साइन ए स्क्वायर ए, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब ये हम लोग जानते हैं ये कर्णी नीचे तक है, इसका फार्मूला वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा इजकल टू होता है कॉस स्क्वायर थीटा, आज ये क्या हो जाएगा कर्णी इसको लगा दीजिएगा, वन प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। अब देखिए दोनों का रूट हटाने के लिए वर्ग हटा देंगे ना, वर्ग हटा देंगे तो क्या बचेगा, वन प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, कोई दिक्कत नहीं। इसको अलग अलग करेंगे तो अलग अलग करेंगे क्या, वन प्लस वन अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, समझ में आया होगा आप लोगों को कैसे किए हैं। जैसे इसका अलग करेंगे तो वन अपॉन कॉस ए, प्लस है तो प्लस, साइन बटा कॉस साइन बटा कॉस ए, कोई दिक्कत नहीं होगा ना, समझ में आ रहा होगा। वन अपन कॉस फार्मूला हम लोग जानते हैं, तो वन अपन कॉस बराबर क्या हो जाएगा, सेक ए प्लस साइन बटा कॉस को हम लोग क्या कहते हैं, टेन ए, इसको साइन बटा कॉस को क्या कहते हैं, टेन ए, तो टेन ए ये हम लोग को क्या हो जाएगा, प्रूफ, ये हम लोग को आंसर हो जाएगा। क्योंकि देखिए एल एच एस बराबर आर एच एस यही लाना है ना, सेक ए प्लस टेन ए, तो हम लोग ला दिए सेक ए प्लस टेन ए, इसका मतलब क्या हो जाएगा, एल एच एस इजकल टू आर एच एस, मतलब लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा हम लोग कैसे किए हैं। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा सातवां क्वेश्चन। सातवां क्वेश्चन में बोले हैं जैसे कॉस, सॉरी साइन थीटा माइनस टू साइन क्यूब थीटा अपॉन क्या दिया, टू कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इजकल टू टेन थीटा, ये प्रूव करना है। तो इसको देखिए एकदम आसान तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, एकदम आसान तरीके से। तो इसमें हम लोग लिख देंगे क्वेश्चन को क्या दिया, साइन थीटा माइनस टू साइन क्यूब थीटा अपॉन क्या दिया, टू कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इसका टू टेन, प्रूफ करना है तो टेन को छोड़ दीजिए। अब देखिए क्या करेंगे, ऊपर वाले में से हम लोग साइन कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे एक बचेगा माइनस है तो माइनस टू टू साइन साइन, एक निकाल देंगे तो तीन की जगह पे दो बचेगा कि नहीं, हो जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं होगा, समझ में आ रहा है आप लोगों को। जैसे यहाँ से साइन कॉमन करेंगे तो यहाँ पे साइन हट जाएगा तो एक होगा, यहाँ से एक साइन निकालेंगे तो दो साइन बचेगा कि नहीं, दो बचेगा ना, तो हो जाएगा। अब इन दोनों में से देखिए कॉस कॉमन करेंगे तो कॉस कॉमन करेंगे कॉस थीटा, थीटा कॉमन करेंगे तो यहाँ से एक निकलेगा तो क्या बचेगा, अभी भी एक बचेगा, बचेगा ना, यहाँ पे माइनस वन, कोई दिक्कत नहीं होगा, यहाँ तक तो समझ में आ गया ना। अब एक हम लोग फार्मूला जानते हैं, फार्मूला बता दे रहे हैं, कॉस टू ए इजकल टू, कॉस टू ए इजकल टू वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस फिर से एक और फार्मूला आता है टू ए इजकल टू
टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, ये दोनों फार्मूला होता है, ध्यान दीजिएगा। क्या दिया है, कॉस टू ए इजकल टू वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस टू ए इजकल टू टू माइनस टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन। तब देखिए इसके जगह पर हम लोग क्या रख देंगे, साइन अपॉन कॉस ही रखेंगे, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। इनटू अब क्या दिया, वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा इजकल टू क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा ना, तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग, सो ये कॉस टू थीटा है तो कॉस टू थीटा अपॉन। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया है, टू कॉस थीटा माइनस वन, तो टू कॉस थीटा माइनस वन, तो इसके जगह पे कॉस टू थीटा, टू थीटा टू थीटा कटेगा तो क्या बचेगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इजकल टू क्या होता है, टेन थीटा। यही प्रूफ करना था, ये भी एल एच एस बराबर आर एच एस, ये हम लोगों को क्या हो गया, प्रूफ हो गया। अब इसका मतलब एक और आसान तरीका था, तो वो भी आसान था, ये भी आसान था, ये फार्मूला याद कर लेंगे तो आप लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिट होगा और बहुत ही अच्छा रहेगा। आई होप आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं, कैसे लगाया गया, या आप लोग कॉपी कलम लेकर बैठे होंगे तो आप लोग अगला क्वेश्चन भी लगाएंगे, अगर नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आई होप हमारा वीडियो आज का बहुत ही पसंद आया और बहुत ही मज़ेदार होगा, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एजुकेशन विद अमित सर को, एंड प्रेस द पर बेल आइकन, और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। एक बात और फिर से हम करना चाहेंगे, अगर आप लोगों के पास ये पूरा वीडियो देखते हैं तो हम सब्सक्राइब कर दिए, क्योंकि हम जो भी नोटिफिकेशन डालेंगे, मतलब जो भी वीडियो अपलोड करेंगे वो आप लोगों के नोटिफिकेशन पे पहुंच जाएगा, मतलब आप लोगों को सूचना देगा कि हम अब वीडियो अपलोड किए हैं, आप लोग उस वीडियो को पढ़ सकते हैं दोबारा। चलिए धन्यवाद।